केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले पायलट साहब, आज क्या महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले बढ़िया दिन है, मैं समझता हूँ अच्छे माहौल में मतदान हो, सब प्रदेशवासी देशवासी जाके अपने मत का प्रयोग करें और अच्छे उम्मीदवार को चुनकर भेजें। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है वो रंग लाएगी और हम लोग चुनाव जीतेंगे। आपको लगता है कि जिस तरह से लगातार ये बीजेपी ने मोदी लहर को जो क्रिएट किया है उसका असर आज के दिन आपको देखने को? मुझे नहीं लगता कि कोई लहर है, ये मीडिया के माध्यम से हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जिन इलाकों में हम लोगों ने काम किया है, पार्टी के लोगों ने मेहनत करी है, जिन सांसदों ने 5 साल अपने लोगों की सेवा करी है, वहां पर वो लोग वो देखेंगे कि कौन हमारे बीच में रहकर हमारे डेवलपमेंट के वर्क ज्यादा कराता है। बाकी वास्तविकता जमीनी हालात अलग हो सकते हैं, लेकिन ये मीडिया के माध्यम से इतना हवा क्रिएट करने का कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है। भाजपा के मिशन 25 लगातार इस चीज को हैवी करते जा रहे हैं। बीजेपी का तो मिशन ना तो सुशासन है राजस्थान में, ना बीजेपी का मिशन है कि किसानों की मदद करनी है, नौजवानों को रोजगार देना है। उनका मिशन सिर्फ सीटें हड़पना है और मुझे नहीं लगता कि उनके मंसूबे कामयाब होंगे। तो ये थे केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी के बीजेपी का मिशन है कि किसानों की मदद करनी है, नौजवानों को रोजगार देना है। उनका मिशन सिर्फ सीटें हड़पना है और मुझे नहीं लगता कि उनके मंसूबे कामयाब होंगे। तो ये थे केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी के अंदर एक बड़ी लीडरशिप है और उसी लीडरशिप के जरिए वे लोग काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इस बार फिर से पूरे देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। चलिए वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद लौट करके आएंगे तो हम ओडिशा की भी बात करेंगे। ओडिशा के एक्सपर्ट दीपक रथ हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बातचीत होगी ब्रेक के बाद।